कहते से और आप सबका स्वागत है यह और पर। आज मैं आपको अपनी जावा 42 की सबसे खास और स्पेशल एसेसरीज के बारे में बताऊंगा, जिसे हर जावा ओनर को अपनी बाइक पे लगानी चाहिए। बाइक परचेज करने के 2 से 3 महीने के अंदर अंदर मैंने ये एसेसरीज अपनी बाइक में इंस्टॉल कर ली थी, जिससे कि मेरी राइडिंग काफ़ी कम्फर्ट हो गई और मेरी बाइक को भी काफ़ी नया लुक मिल गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जावा की वो स्पेशल एसेसरीज जो हर जावा राइडर को अपनी बाइक में लगानी ही चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जावा 42 के बार एंड मिरर के बारे में। जावा के कंपनी फिटेड मिरर से काफ़ी अच्छे ये वाले मिरर है। इनकी स्टेबिलिटी और इनका फील्ड ऑफ व्यू इतना अच्छा है कि आप उन मिरर को कभी मिस नहीं करेंगे। और काफ़ी दिनों तक मैंने दोनों मिरर एक साथ लगा के रखे, पर इसका वाइब्रेशन और उसके वाइब्रेशन में रात दिन का फ़र्क है और बाइक का जो लुक है वो भी काफ़ी न्यू लुक इससे मिलता है। एक और ख़ास चीज़ जो मैंने अपनी बाइक में लगाई थी, हालांकि शुरुआत में तो उसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, लेकिन फिर एक गाड़ी को नया लुक देने के लिए और कुछ फीचर्स ऐड करने के लिए मैंने उसका यूज़ लिया और अब उसको लगाने के बाद मुझे लगता है कि वो एक ज़रूरी चीज़ है जावा 42 के अंदर, और वो है हेडलैम्प, एलईडी हेडलैम्प जिनको कहते हैं, वो दोनों साइड में। ये मैंने आफ्टर मार्केट खरीदे हैं। जावा भी ये लाइट्स देती है पर वहाँ पर नहीं मिले मुझे, तो मैंने मार्केट से खरीदी और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट रहा मेरी बाइक को लगाने के बाद। हालांकि जो जावा की हेडलाइट है वो काफ़ी पावरफुल है, पर कभी कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है नाइट राइड में या हाईवे के ऊपर, तो ये भी एक इम्पोर्टेंस चीज़ है बाइक के लिए। अगर आप इसको फिट कराते तो आपकी जावा में एक अलग ही नया रंग देखने को मिलेगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी बाइक का सबसे खास चीज़। पहले तो लोग बाइक के बारे में पूछते थे, अब जो लोग बाइक के बारे में पूछ चुके हैं या बाइक का पूछने के बाद में उनका जो दूसरा सवाल रहता है वो रहता है मेरे बाइक के कवर के बारे में। ये है बाइक ब्लेज़र कवर, जो कि सेमी ऑटोमेटिक डिवाइस है। ये हमेशा बाइक के अंदर ही फिट रहता है और आप इसको रोटेट करके कवर निकाल सकते हैं और पूरी बाइक के ऊपर लगा के, और जब इसका काम पूरा हो जाता है तो आप इसको वापस रोटेट करके इसके अंदर रख सकते हैं। सबसे इसकी जो खास बात है, इस कवर को आपको कहीं भी कैरी नहीं करना पड़ता है, ये हमेशा बाइक के अंदर लगा रहता है, जहाँ भी चाहे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक जावा की बहुत ही खास एसेसरीज मार्केट में है, लेकिन उसके इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है कि बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा आइटम अपनी जावा 42 पे सेट बैठेगा या कौन सा अच्छा लगेगा। तो उसके लिए मेरी आपको सबसे सही एडवाइस है, जो मैंने अपने जावा के शोरूम से परचेज किया था, वो है इसका लेग गार्ड। लेग गार्ड में बहुत सारे जावा के पास ऑप्शन है, लेकिन मैं भी 2-3 वहाँ पे उनके शोरूम में लगा के चेक करके देखा, मैंने सबसे अच्छी जो फिटिंग लगी और सबसे अच्छा जो मुझे लुक लगा वो मुझे इस लेग गार्ड का लगा। इसका नाम बटरफ्लाई है और काफ़ी लोग अलग अलग बुलेट के जैसे और दूसरे लेग गार्ड यूज़ करते हैं, लेकिन अच्छा लुक जावा 42 को देता है वो ये बटरफ्लाई लेग गार्ड है। एक एक करके मैं आपको इन सारे आइटम की प्राइस बताता हूँ और ये भी आपको बताता हूँ कि कौन से आइटम मैंने जावा के शोरूम से ख़रीदे और कौन से मार्केट से परचेज किया। तो सबसे पहले बात करते हैं साइड मिरर की। तो ये ऑथराइज जावा डीलर के थ्रू मैंने ख़रीदे हैं और ये 1600 रुपीज़ के हैं। हालांकि इससे सस्ते मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद बात करते हैं लेग गार्ड की। तो ये जावा का जेन्युइन बटरफ्लाई लेग गार्ड है, जो मैंने ख़रीदा था 1500 में जावा के शोरूम से। फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो सबसे खास चीज़ है बाइक ब्लेज़र कवर। ये मैंने परचेज़ किया था अमेज़ॉन से, जो मुझे 800-900 के आसपास मिला था। मेरे ख्याल से 800 का था ये, और ये भी वर्थ आइटम है। आप उसको अमेज़ॉन से या इसकी खुद की वेबसाइट बाइक ब्लेज़र से ख़रीद सकते हैं। दूसरी मैंने हेडलैम्प ख़रीदे थे, जावा भी प्रोवाइड कराती है ये अपने सर्विस सेंटर में, लेकिन मैंने ये ख़रीदे थे आफ्टर मार्केट, और ये एलईडी लैम्प मुझे सिर्फ पड़े थे 1100 रुपये में और काफ़ी अच्छी
क्वालिटी की। अभी दिन है नहीं तो मैं इसकी लाइट आपको दिखाता आगे कितनी पावरफुल और तेज है। वीडियो में दिखाई गई सारी एसेसरीज आपको अगर यूज़फुल लगी है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अब आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई पार्ट या ऐसी कोई एसेसरीज बाइक में होनी चाहिए लेकिन मैंने उसको मिस कर दी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।